द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। शिवपुरी में एक दुल्हन की विदाई थाने से हुई। मामला देहात क्षेत्र के महल सराय का है। यह ललितपुर उत्तर प्रदेश से लड़की वाले बेटी को लेकर आए थे। तय हुआ था कि शादी यहीं करेंगे और सारा इंतजाम लड़के वाले कर देंगे, लेकिन दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कमी कर दी गई। यहां तक कि उनके रुकने तक के इंतजाम नहीं किए गए। इससे नाराज दुल्हन के परिवार ने शादी के बाद बेटी को विदा करने से मना कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। काफी जद्दोजहद के बाद टीआई ने थाने से दुल्हन की विदाई करवाई। जवाहर कॉलोनी बीटीआई के पीछे रहने वाले संजय जोशी की शादी ललितपुर की एक युवति से हुई। शादी से पहले दोनों परिवारों के बीच तय हुआ था कि वधु पक्ष विवाह करने शिवपुरी आएंगे, व्यवस्था वर पक्ष करेगा। रविवार को शादी हुई। शाम तक ललितपुर से वधु पक्ष के 200 लोग शिवपुरी आ गए। यहाँ वर पक्ष ने वधु पक्ष के ठहरने का उचित इंतजाम नहीं किया। इसको लेकर पहले दोनों पक्षों में ठन गई। इसके बाद स्वागत सत्कार को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने जब कार्रवाई की बात कही तो वधु पक्ष माना और हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ जनों को बैठा कर बातचीत की। देर तक पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष अपनी पर अड़े रहे। आखिर में पुलिस ने दोनों पक्षों पर कायमी करने की बात कही, तब उन्होंने राजीनामा करना उचित समझा। समझौते के बाद वधु पक्ष विदा करने के लिए राजी हुआ। टीआई विकास यादव ने थाने से ही दुल्हन की विदाई करवाई। ये एक पुराने शिवपुरी में एक विवाह समारोह था, जिसमें एक शिवपुरी का एक पक्ष था। जवाहर कॉलोनी में विवाह हो रहा था। एक शिवपुरी का पक्ष था और एक ललितपुर का पक्ष था। लड़की वाले ललितपुर के थे, लड़के वाले शिवपुरी के थे। इनका विवाह समारोह था और वो आज सुबह विवाह सम्पन्न हुआ, लेकिन कुछ परिवार के कुछ लोग थे, लड़की पक्ष के लोग, जो कुछ नशे में थे, तो उनका कुछ मुवाद हुआ लड़के वालों के परिवार के लोगों से, जिस पर थोड़ा सा माहौल उनका ख़राब हुआ। तो दोनों पक्ष में विवाह के बाद एक मनमुटाव टाइप के होने से ये दोनों पक्ष शादी में विदा करने से इनकार करने लगे लड़की पक्ष वाले, जिस पर दोनों पक्ष के माता पिता थाने आ गए थे, वर पक्ष के भी और वधु पक्ष के भी, जिन पर आपस में दोनों में बहसबाजी चल रही थी कि हम विदा नहीं करेंगे। और लड़के पक्ष वालों का कहना था, अगर लड़की को विदा नहीं करेंगे तो हमारा चढ़ावा जितना जेवर और पैसा हमने दिया वापस करें। जिसके बीच पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को समझाया। क्या सर, विदा थाने से कराई है क्या? हाँ, दोनों पक्ष को समझाने के बाद लड़की की विदा थाने से लड़के वालों के साथ कराई गई और लड़की पक्ष वाले भी इसमें सहमति जाहिर की इन्होंने। और ये मामले को हमने बड़ी शालीनता से पुलिस ने और अपने एकमत अमली से तो सुलझाकर और लड़की की विदा थाने से कराई थी। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।